Hello students, today I am going to explain the chapter history. Contribution of Sikh Gurus from Guru Angad Dev Ji to Guru Tegh Bahadur Ji. आज मैं जिस विषय के उपर चर्चा करन जा रही हाँ उस विषय का नाम है कि श्री गुरु अंगद देव जी तो लैके श्री गुरु तेग बहादुर जी तक सिख गुरुआ का सिख धर्म के इतिहास में की योगदान है। अज मैं जिस विषय के उपर विचार करांगी वो सिर्फ सिखा दे दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी दे सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार दे विच श्री गुरु अंगद देव जी का की योगदान रहा है, इस विषय के उपर विस्थार पूर्वक चर्चा करांगे। तो सब तो पहला असी गल करते हैं कि श्री गुरु अंगद देव जी सिखा दे दूजे गुरु हुए हैं। दूजे सिख गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी दी बाणी कठी की इस नू गुरमुख लिपि विच लिखिया। उन्होंने ये काम गुरु अर्जन साहिब जी द्वारा संकलित ग्रंथ साहिब की तैयारी का पहला कदम सिद्ध होया। गुरु अंगद देव जी ने आप भी गुरु नानक देव जी के नाते बाणी की रचना की। इस तरह उन्होंने गुरु पद की एकता मजबूत किया। संगत अते पंगत दियां प्रथावां जो कि श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू कीतियां इन्हां प्रथावां गुरु अंगद देव जी ने अगे लैके गए ते होर इन्हां प्रफुल्लित किया जो कि अगों 10 गुरु साहिबान तक जारी रहियां ते अज दे समय तक भी यह जारी हैं। तो अगे असी विस्थार पूर्वक चर्चा करांगे कि श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी तो बाद सिख धर्म नूं अगे लिजाण दे विच की योगदान पाया। गुरु अंगद साहिब ने सिख धर्म दे विकास लई की योगदान पाया। सब तो पहला जेकर असी गल करिए कि श्री गुरु अंगद साहिब जी द्वारा जो कार्ज किया गया वह सीगा गुरमुखी लिपि विच सुधार। गुरु नानक देव जी तो बाद श्री गुरु अंगद देव जी 1538 ईस्वी विखे गुरु गद्दी उपर विराजमान होए। उन्हां दी अगवाई सिख धर्म लई वरदान सिद्ध हुई। उन्होंने सिख धर्म के विकास विच बहुत वडमुला योगदान पाया। गुरमुखी लिपि विच श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा व्यापक पद्धर ते सुधार किया गया। उन्होंने गुरमुखी के प्रचार लई गुरमुखी वर्णमाला विच बाल बोध की रचना की। आम लोगों की भाषा होने के कारण इस नाल सिख धर्म के प्रचार के काम नूं उत्साह मिलिया। अज सिखां दे सारे धार्मिक ग्रंथ इस भाषा विच लिखे गए हैं। श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा सब तो पहला महत्वपूर्ण कार्य गुरमुखी लिपि विच व्यापक पद्धर ते सुधार किया गया ते आम लोगों तक गुरमुखी लिपि पहुँचाया। सारे छोटे बच्चों गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी वर्णमाला के अखर जो सी उन्हां दी पहचान कराई ताकि बाणी का प्रचार करना सौखा हो सके। तो इस तरह असीं कह सकते हाँ कि गुरमुखी लिपि विच सुधार करना श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा किया गया एक वडमुला कार्य सी जो कि अगे जा के सिख धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी वडमुला साबित होया। गुरु नानक देव जी की जन्म साखी श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी की सारी बाणी इकट्ठी करके भाई बाला जी तो गुरु जी की जन्म साखी जीवन चरित्र लिखवाई। इस नाल सिख गुरु नानक देव जी दियां सिक्ख्यावां दा पालन करन लगे ते सिख गुरु नानक देव जी दे आदर्शां दे अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करन लगे। लंगर प्रथा दा विकास श्री गुरु अंगद देव जी ने ये लंगर प्रथा जारी रखी जो श्री गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई सी। उन्होंने ये हुक्म दिता कि जो भी कोई उन्होंने दर्शन करने लिए आएगा उसनू पहला पंगत विच बैठ के लंगर छकना पवेगा। इस तरह हर एक व्यक्ति जो श्री गुरु अंगद देव जी के दर्शन करन आउंदा वह पहला बड़ी प्रेम श्रद्धा भावना दे नाल बिना भेदभाव पंगत विच बैठ के लंगर छकदा ते फिर गुरु साहिब जी के दर्शन करदा। इस नाल जात पात का जो भेदभाव सीगा वह खत्म हो गया। जो लोगों के समुची मानवता के एकता की भावना
पैदा हुई तो सिख धर्म के प्रसार के विच काफ़ी सहायता मिली। इस तरह से कह सकते हाँ कि जो एक लंगर पंगत ते संगत की प्रथा श्री गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई तो श्री गुरु अंगद देव जी ने सिखा दे दूसरे गुरु ने इसनू बहुत ही वधिया तरीके नाल अगे इसनू प्रफुल्लित करन दे विच अपना भरपूर योगदान दिता। उदासी संप्रदाय का खंडन। गुरु नानक देव जी के वड्डे पुत्र श्री चंद जी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की अते संन्यास का प्रचार किया। यह गल गुरु जी दी सिक्ख्यावां दे विरुद्ध सी। श्री गुरु नानक देव जी जो सिखा दे पहले गुरु होए हैं उस संन्यास विच नहीं ग्रस्त जीवन दे विच ही विश्वास करते हैं तो उन्होंने ग्रस्त जीवन में ज्यौद्या होया ही परमेश्वर भगती के उपर जोर दिता। इसलिए इस प्रथा अगे तोरद्या होया श्री गुरु अंगद देव जी ने उदासियां नालों रिश्ता तोड़ लिया और सिख धर्म ते उदासी संप्रदाय नू अलग अलग किया। गोइंदवाल साहिब का निर्माण। श्री गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल साहिब की स्थापना की। गुरु अमरदास जी के समय विच ए नगर सिखा का एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र बन गया। आज भी ये सिखा का पवित्र धार्मिक स्थान है। अनुशासन नू उत्साह। गुरु जी बड़े ही अनुशासन पसंद सन। उन्होंने सत्ता ते बलवंड नामी दो प्रसिद्ध रबाबिया नू अनुशासन भंग करन दे कारण दरबार विचों काढ़ दिता। कई सिखा ने उन्होंने माफ कर देने लई कहा। गुरु जी कोल बेनती की पर उह ना मन्ने। बाद विच भाई लद्दा जी की बेनती से उन्होंने माफ कर दिता गया। तो इस तरह अं कह सकते हाँ कि श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा सिख धर्म अगे ले जाने विच अपना बहुत ही वडमुला योगदान पाया गया है। अगे असं गल करांगे सिखा दे तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी द्वारा सिख धर्म के प्रचार प्रसार के विच दिते गए वडमुले योगदान के बारे में। श्री गुरु अमरदास जी सिखा दे तीजे गुरु सन। वह 22 वरे तक गुरु गद्दी उत्ते विराजमान रहे। वह खंडूर साहिब तो गोइंदवाल साहिब चले गए। उत्थे उन्होंने एक बौली बनवाई जिस विच सिख चेले धार्मिक मौकियां ते इशनान करते सन। तो गुरु अमरदास जी ने विआह का एक सधारण ढंग प्रचलित किया ते इसनू आनंद कारज का नाँ दिता। ते उन्हां दे समय सिखा दी गिनती विच काफ़ी वाधा होया। तां सो असीं विस्थार पूर्वक चर्चा करन जा रहे हैं कि गुरु अमरदास जी द्वारा सिख धर्म दे प्रसार दे विच की योगदान दित्ते गया। गुरु अमरदास जी नूं सिख धर्म विच विशेष स्थान प्राप्त है। गुरु नानक देव जी ने धर्म दा जो बीज बीजा सी ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਜਪੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਰੂਪ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ये सारी समगरी गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी नूं सौंप दित्ती सी। गुरु अमरदास जी ने भी कुछ एक नवे शब्दों की रचना की अते उन्हां नूं पहलां वाले संकलन नाल मिला दिता। इस तरह गुरु साहिब ने दे सलोकां अते उपदेशां दे इकट्ठा हो जाण नाल एक अजिही समगरी तैयार हो गई जो आदि ग्रंथ साहिब दे संकलन का आधार बनी। मंजी प्रथा बिरध अवस्था के कारण गुरु अमरदास जी लई एक स्थान तो दूजे स्थान पर जाके अपनियां सिक्ख्यावां दा प्रचार करन दा काम बहुत ही ज़्यादा औखा सी क्योंकि उन्हां दी उम्र काफ़ी वडेरी हो चुकी सी। इसलिए उन्होंने अपने पूरे अध्यात्मक साम्राज्य नूं 22 प्रांतां विच वंड दिता अते इन्हां विचों हर एक प्रांत नूं मंजी कहा जांदा सी। हर एक मंजी सिख धर्म के प्रचार का एक केंद्र सी। गुरु अमरदास जी द्वारा स्थापित मंजी प्रणाली का सिख धर्म के इतिहास में विशेष महत्व है। इस तरह उन्होंने जो सिख धर्म के प्रचार लई जो एक मंजी प्रथा प्रचलित की सी तो मंजी प्रथा सिख धर्म नूं व्यापक पद्धर ते बहुत ही शिखरां दे उपर लैके गई। ये गुरु अमरदास जी द्वारा चलाई गई सब तो महत्वपूर्ण प्रथा सी। उदासियां नालों सिख धर्म नूं अलग करना गुरु साहिबान ने उदासी संप्रदाय दे सिद्धांतां दा जोरदार शब्दां विच खंडन किया। उन्होंने अपने सेवकां नूं समझाया कि कोई भी व्यक्ति जां जो उदासी नियमों का पालन करता है सच्चा सिख नहीं हो सकता। गुरु जी ने इन्हां यतनां नाल सिख उदासियां नालों वक्ख हो गए ते सिख धर्म दी अपनी जो एक वक्खरी होंद सीगी वो ये सामने आई। नवे रीति रिवाज गुरु अमरदास जी ने सिखां नूं व्यर्थ दे रीति रिवाजां दा त्याग करन दा उपदेश दिता। उन्होंने मौत होण समय सिख नूं रोण पिटण दी थां परमात्मा दा नां जपण दा उपदेश दिता ते उन्होंने विआह दी लई नवीं रीत शुरू की जिस नूं आनंद कारज कहिंदे हन। आनंद साहिब दी रचना गुरु अमरदास जी ने एक नवे राग दी रचना की जिस नूं आनंद साहिब कहा जाता है। इस तरह असीं कह सकते हाँ कि गुरु अमरदास जी गुरुकाल सिख अमरदास जी के समय गुरुकाल सिख धर्म के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। गुरु जी द्वारा बौली का निर्माण मंजी प्रथा का आरंभ लंगर संगत ते पंगत प्रथा के विस्तार अते नवे रीति रिवाजों ने सिख धर्म के संगठन में बहुत ही सहायता की। इस तो अलावा गुरु अमरदास जी द्वारा समाज दे विच कई तरह के सुधार कार्य किए गए। जात पात का विरोध गुरु अमरदास जी ने जात पात का मतभेद का खंडन किया। उन्होंने विश्वास सी कि जाति मतभेद परमात्मा की मर्जी के विरुद्ध है। छूत छात की निंदा गुरु अमरदास जी ने छूत छात को समाप्त करने लिए महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने लंगर विच जात पात का कोई भेदभाव नहीं किया जाता सी ते सारे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन छकते सन। विधवा विआह गुरु अमरदास जी के समय में विधवा विआह की मनाही सी। किसी इस्त्री नूं पति की मौत के बाद सारा जीवन विधवा के रूप में बतीत करना पैंदा सी। गुरु जी ने विधवा विआह नूं उचित दस्या ते इस तरह इस्त्री जाति नूं समाज विच योग थां दवाउण दा यतन किया। सती प्रथा की निंदा उस समय समाज में एक होर वड्डी बुराई सती प्रथा भी सी। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा की सब तो पहला निंदा की। उन्हां दा कहना सी कि वह स्त्री सती नहीं कही जाती जो पति दे मरे शरीर नाल सड़ जाती है। असल विच वह स्त्री सती है जो पति दे विछोड़े दे दुख नूं सहन करे। परदे दी रसम दा विरोध गुरु जी ने इस्त्रियों विच प्रचलित परदे की रसम की घोर निंदा की। वह परदे की प्रथा नूं समाज की उन्नति के राह विच एक बहुत वड्डी रुकावट मानते सन। इसलिए उन्होंने इस्त्रियों का बिना परदा किते लंगर की सेवा करना ते संगत विच बैठन दा उन्होंने हुक्म दिता। नशीली वस्तुओं की निंदा गुरु अमरदास जी ने अपने सारे पैरोकारां नूं सारियां नशे वालियां वस्तुओं तो दूर रहने का उपदेश दिता ते उन्होंने अपने एक शब्द विच शराब पीन की खूब निंदा की है। गुरु जी गुरु नानक देव जी वांग ही अजिही शराब की वरतों करना चाहते सन जिस का नशा कदी ना उतरे और नशा बेहोश करने वाला ना होवे सगो समाज सेवा लई प्रेरित करने वाला होना चाहिदा है।
सिखां विच भाईचारे की भावना। गुरु जी ने सिखां नूं हुक्म दिता कि वह माघी दिवाली विसाखी वर्गे त्यौहारां नूं इकट्ठे मिल के नवीं परंपरा अनुसार मनाया करन। इस तरह उन्होंने सिखां विच भाईचारे की भावना नूं जागृत करन दा जतन किया। जन्म ते मौत संबंधी नवें रिवाजां की शुरुआत। श्री गुरु अमरदास जी ने सिखां नूं मौत जन्म ते विआह दे मौक्यां ते नवें रिवाजां की पालना करन लई कहा। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।